हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल तमोरी ट्यूटर पे। आज का ये लेक्चर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख लिया, हमने जान लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके जीरोस जान लिए हमने क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो जान लिया हमने क्या होता है। वो अगर आपको देखना है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो, फिर चैनल के प्लेलिस्ट में आके देख सकते हो। और इसी लेक्चर के अंदर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। सॉल्यूशन, उसमें हमने सीखा था सॉल्यूशन क्या होता है और यहाँ से सीखेंगे सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन या फिर जीरो या फिर रूट्स, ये तीनों नाम में से कोई भी एक नाम मिल सकता है आपको। ये जो होता है, ये तीन तरीके से निकाला जा सकता है। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन मेथड, इसी को हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। सेकेंड वन इज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बना के। और थर्ड मेथड आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये बहुत सिंपल मेथड है, इसके अंदर बस फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट वैल्यू लगानी है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये तीन होते हैं। इसमें से आज के लेक्चर में हम लोग ये कवर करने वाले हैं फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन में भी कुछ ये ऐसा ऐसा लेक्चर होने वाला नहीं है नॉर्मल सा, इसके अंदर हम लोग फैक्टराइजेशन पहले आपको सिखाएंगे बेसिक क्या होता है, किस तरीके के रूल लगाते हैं फैक्टराइजेशन का। फिर उसके बाद आपको हर एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके अंदर बोर्ड में बन सकता है, जो आपके कहीं ना कहीं एनटीएससी बन सकता है, हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो बस आप पढ़ाई के लिए क्या करना है, आपको टेबल पे बैठ जाना है, कॉपी निकालनी है, नोट्स बनाने हैं, पेन चालू कर देना और एक बार वीडियो स्टार्ट कर दे, उसको कम्प्लीटली वॉच करना है, मोमेंटम जो बन जाता है उसको खराब नहीं करना है। चलिए चलते हैं। देखिए, फैक्टराइजेशन हम आपको कराएंगे, तो फैक्टराइजेशन में हम इसका आपको रूल बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए आपके साथ एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कराते कराते आपको समझाएंगे क्या होता है। जैसे हमारा क्वेश्चन हमने लिया, फर्स्ट क्वेश्चन ये 6x² - x - 2 = 0। देखिए बच्चों, जब भी फैक्टराइजेशन करना है तो आपको सारे टर्म्स लेफ्ट में ले लेने हैं, मतलब इस टाइप से सारे टर्म्स हमारे इस साइड होने चाहिए, कुछ भी उस साइड होना चाहिए। जैसे अगर यही क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में दे रखा होता 6x² - x = 2, तो हमको ये 2 इस साइड लेके आना होता। वो कैसे लेके आते, साइन उधर जो प्लस का उसका साइन उधर नेगेटिव हो जाता है, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, -2 = 0, समझे। इस टाइप से हो जाना चाहिए हमारा। तो देखिए, ये है, सबसे पहले क्या करना होता है, कोफिशियंट ऑफ x² जो x² है ये है, इसके कोफिशियंट, इसका कोफिशियंट ये 6, लास्ट कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, साइन के साथ नहीं, इसका साइन माइनस है, साइन के साथ नहीं, ओनली डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 2 = 12, ठीक है। अब 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिससे कि प्लस माइनस करने में बीच वाला जो टर्म है उसका कोफिशियंट का वैल्यू मिल जाए। जैसे एक्स है, एक्स का कोफिशियंट क्या है यहाँ पे 1, ठीक है। अब 1 जो हमको ये नंबर मिल जाए, साइन के साथ नहीं, हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ओनली नॉर्मल बात कर रहे हैं, 6 का मल्टीप्लाई 2 से क्या 12, 12 के कुछ ऐसे फैक्टर कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए जिसका अगर हम प्लस माइनस करें तो बीच का नंबर मिल जाए और मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आ रहा था ये मिल जाए, ठीक है, समझ में बात। फिर से सुन लीजिए, ये जो कोफिशियंट ऑफ x² होता है, इसका मल्टीप्लाई करना होता है कॉन्स्टेंट टर्म के साथ, वो भी किसी साइन का नहीं देखना, हमको ओनली प्लस प्लस लेना है। फिर उसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर हमें दो ऐसे फैक्टर बनाने होते हैं जिनका प्लस या माइनस करने पर हमको ये बीच वाला नंबर मिल जाए, साइन के साथ नहीं, ओनली ऐसे मिल जाए 1 प्लस का, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर हमको वापस से यही नंबर मिल जाए। तो 12 के फैक्टर करें अगर हम, तो देखिए 12 का 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मिल रहा है 2 × 2 = 4 और ये 3, 4 × 3 करेंगे तो क्या मिलेगा 12 मिलेगा, 4 − 3 करेंगे तो क्या मिलेगा 1, 1 ही चाहिए था, है ना। तो देखिए 6x² - अब जो हमें ये फैक्टर मिले ये वाले, इनको एज इट इज यहाँ पे पुट कर दो, माइनस यहाँ पे लगाया, फिर ऐसे 4 − 3 x − 2 = 0, 6x² - एज इट इज एक्स को अंदर भेजा, 4x − 3x − 2 = 0। अब माइनस को इसको अंदर भेजिए, 6x² - 4x - - + + 3x - 2 = 0। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है,
हमको इन दो में से और इन दो में से कुछ कॉमन निकालना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दो में से जो कुछ भी कॉमन है वो निकालिए। तो 6x² और 4x में से कॉमन क्या है, 2, साथ में x, x भी कॉमन है ना, तो 2x निकाला। यहाँ पे क्या बचा, 3x-2। यहाँ पर कॉमन क्या है, 3, 2 में कोई कॉमन नहीं है, x और यहाँ पे x भी नहीं है, तो कॉमन क्या है, 1। ठीक, 1 निकाला, 3x-2। अब बच्चों देखो, अगर आप सही कर रहे होगे तो आपको इसी स्टेप में पता चल जाएगा, अगर आप गलत कर रहे तो वो भी आपको इसी स्टेप में पता चलेगा। कैसे, क्योंकि ये जो दो ब्रैकेट हैं ये हमेशा सेम आएंगे। ठीक है, ये जो दो ब्रैकेट है ये हमेशा क्या आएंगे, सेम आने ही आने हैं। अगर आपने सही किया तो ये दो ब्रैकेट हमेशा सेम आने हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों, ये एक टर्म बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है, इन दोनों में जो कॉमन है वो निकालो। कॉमन क्या है, यहाँ पे देखो सीधा सीधा ये ब्रैकेट कॉमन है। ठीक है, इस ब्रैकेट को हमने बाहर निकाला, क्या आया, 3x-2, और अंदर क्या बचा, 2x+1 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद दो स्टेप आते हैं। देखिए क्या आता है, एक बार तो हमको इस वाले टर्म को 0 भेजना होता है। देखिए मैं उधर बताता हूँ, कंफ्यूजन नहीं, इधर देखते हैं। देखिए ये हमने लिखा है 3x-1, 2x+1 इक्वल्स टू 0। इसके दो स्टेप होने हैं यहाँ से आगे, ये मैं आपको ऐसे एरो बना के दिखा रहा हूँ, आपको नहीं करना है ऐसे। देखिए 3x-1, 2x+1 इक्वल्स टू 0, 3x-1, 2x+1 इक्वल्स टू 0। एक बार तो इन दोनों टर्म में से आप किसी एक टर्म को 0 में भेज दो। जैसे मान लो मैं इसको 0 में भेजता हूँ, 0 में भेज देना, मतलब देखो 3x-1 इक्वल्स टू 0/2x+1। ठीक है, 0/something 0, 3x-1 इक्वल्स टू 0। अब वो x निकालना है, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, 3x=1, x=1/3, एक रूट ये आ गया। मैंने आपको इससे पहले लेक्चर बताया था, जितनी उसकी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतना ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं या फिर नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो इसके दो जीरोस निकले, एक जीरो यहाँ से आ गया, एक जीरो यहाँ से आएगा। अब हमने इस वाले स्टेप में, इस वाले पोर्शन में जो हमने 0 में भेजा था, अब उसको नहीं भेजना है, उसका नेक्स्ट वाला हमको 0 भेजना है। जैसे हमने इसमें ये वाला भेजा था, अब हमको इस वाले स्टेप में ये नहीं, इसको हम 0 में सेंड करेंगे। कैसे, 2x+1 इक्वल्स टू 0/3x-1, 2x+1 इक्वल्स टू 0, x=-1/2। कैसे, 2x=-1, फिर 2 को नीचे भेज दिया, x=-1/2। निकला है सॉल्व, हो गया, मतलब निकला है आंसर, सॉल्व हो गया, खत्म। यही करना था, सिंपल था कि नहीं। अब आप इसको करने टाइम, मुझे समझाते समझाते टाइम लग गया, जब आप करोगे ना, अपने आप करोगे तो आपको इतना टाइम लगना ही नहीं है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन और कराते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, 8x²-22x-21=0। इसे अपने आप ट्राई कीजिए, जैसे बताया था। नहीं आएगा अभी, नहीं आएगा आप पे, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, कराते चलेंगे इसको, अभी अपने आप कीजिए। देखिए हम कराते हैं, चलिए सबसे पहले तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 8 × 21, 8 × 21, 8 × 8 = 16, 168, 168 के ऐसे फैक्टर मल्टीप्लाई करने पे तो 168 आ जाए, प्लस माइनस करने बीच का नंबर है, बीच का नंबर क्या है, 22। ओके, देखिए 168, 2 से 8, 4, 2 से 4, 2, 2 से 2, 1, 3 से 7, 7 से 1, बिल्कुल सही किया है ना, 2 1 2 1 3 से आएगा 7। ठीक है, अब इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है इनका, और जो फैक्टर हमको ऐसे बनाने हैं जिससे कि प्लस माइनस करने बीच का नंबर आ जाए और वैसे हमारा मल्टीप्लाई करने पे 168 आ जाए। ठीक है, देखिए 2 2 जा 4, 4 बना लिया हमने एक नंबर, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42,
42 में प्लस करेंगे 4 तो भी नहीं आएगा, 42 में से माइनस करेंगे 4 तो भी नहीं आएगा, तो ये तो नहीं है हमारा, ये तो हमारे नहीं बनने वाले। हटाइए, 21 में 8 जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा, 21 में से 8 हटाएंगे तो भी नहीं आएगा। देखिए 2 2 4 7 2 14 14 2 28 और 3 2 6। देखिए 7 2 14 14 2 28 और 3 2 6, 28 में से अगर मैं 6 हटा दूं, पहले प्लस करके देखते हैं, 28 में 6 ऐड करेंगे 22 तो नहीं आएगा, ठीक है। 28 में से अगर मैं 6 हटा दूं तो 22 आ रहा है, ठीक है। और 22 इंटू 6, 28 इंटू 6 करें, 28 इंटू 6 करें, 8 6 14 8 6 2 14 वो सॉरी 6 2 12 और 12 और 4 16 168, ये आ गया। और प्लस माइनस करने बीच का नंबर आ गया, ठीक है, समझ गए। पहले मैं भी इसमें थोड़ा सा हटका, कैसे मैंने पहले उनका मल्टीप्लाई किया, फिर उनका दो बना के देखा, फिर तीसरी बार में आ ही गया। ऐसे ही आपको बनाना है, जितने पॉसिबल हो सके उतने करने हैं, एक ना एक बार आ ही जाएगा। स्टार्टिंग में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, अभी आप इनिशियल स्टेज पे हो, ठीक है। अब देखिए 8x² - 28 - 6 * x - 21 = 0, ठीक है। 8x² - 28x - 6x - 21, ये x को हमने अंदर भेज दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद माइनस को अंदर भेजो, 8x² - 28x + 6x - 21 = 0। इसके बाद क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद इन दो में से और इन दो में से कॉमन निकालना है। कॉमन क्या आएगा, 8x और 28 में सबसे पहले तो x कॉमन आना है, ठीक है। यहां से और यहां से कॉमन क्या आएगा, अच्छे से देखिए, 4 आएगा कॉमन, 4 आ गया। क्या बचा यहाँ पे, 2x, 1x आ गया, 1x बचा और 4 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 4 के टेबल में 28, 7 बार आता है और सब कुछ कॉमन आ गया, ठीक है। अब यहां से कॉमन क्या है, इसमें से x तो है नहीं, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 3। यहाँ पे क्या बचा, 2x - 7 = 0। और मैंने बताया था अगर आप सही कर रहे होंगे तो आपको इसी स्टेप में पता चल जाए कैसे, दोनों की ब्रैकेट सेम आ गई, सेम नहीं आता तो हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। तो देखिए आगे 4x + 3, फिर आएगा 2x - 7 = 0। इसके बाद हमारे दो स्टेप बनते हैं, 4x + 3 2x - 7 = 0, 4x + 3 = 0 / 2x - 7, 4x + 3 = 0, x बड़ा अजीब बन गया, x = -3/4। दूसरा जीरो यहां से आएगा, 4x + 3 2x - 7 = 0। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, 2x - 7 को 0 में भेजा था, इस बार हम इसको भेजेंगे, 2x - 7 = 0/4x + 3। बोर हो रहे हैं तो बच्चों थोड़ा अच्छे से बैठ जाओ, आपका जो बैठने का तरीका है वो गलत है, टेबल पे अच्छे से बैठे, टेबल नहीं तो मतलब बेड वेड पे तो बैठिए मत, वहां से आप क्या होता है जमाइयां आने लग जाती हैं, योनिंग, ठीक है। हिंदी नहीं बोलना है, सीबीएसई पढ़ा रहे हो तो सीबीएसई इंग्लिश में बोलोगे, जवाइयां क्या होता है, ये जवाइयां व्हाट इज दिस। अब जवाइयां छोड़िए, इसको देखिए, ठीक है, समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, हटा दें इसको, ठीक है, पक्का, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, x + 2 * 3x - 5 = 0, ये करना है, इसके मतलब हमें सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। इसके सॉल्यूशन निकालने हैं किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये तो कंफर्म है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे बनेगा,
इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3x² आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनना कंफर्म कंफर्म है। ठीक, अगर आप चाहो तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे फिर सॉल्व करोगे, फिर से ये स्टेप आना आना है। देखो आपको करके दिखाएंगे, अभी क्या बात कहना चाहते हैं वो करके दिखाएंगे, एक साइड आपको अलग करके दिखाएंगे, एक साइड अलग करके दिखाएंगे, दोनों तरीके। पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हो लास्ट में आके दो ब्रैकेट बनते थे, और जो दो ब्रैकेट बनते थे उसमें से एक को जीरो भेजते थे और फिर दूसरे ब्रैकेट को जीरो भेजते थे। तो यहाँ पे आप पहले से देखिए, हमको दो ब्रैकेट बना के दे दिए उसने, काम आसान कर दिया उसने, बोल दिया आपको दो ब्रैकेट बना के दे रहे हैं। अगर आपके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आप यहीं से सॉल्व कर लीजिए, वरना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़ाते जाइए, फिर उसको दो तीन लाइन बढ़ा के फिर सॉल्व कीजिए। समझ रहे हो ना, अगर आप जिस बच्चे ने यहाँ पे कैच कर लिया होगा थोड़ा ऐड सॉल्व कर दिया, कैसे x+2 3x-5=0, दो केस बने, एक बार इसको जीरो भेज दिया x+2=0, और एक बार इसको जीरो भेजा 3x-5=0, x वैल्यू क्या आ गई -2, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 5/3। सिंपल यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, और अगर चाहो तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया 3x², इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया -5x, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया, इसका होगा ना तो 2 × 3 + 6x, फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो -10=0। अब क्या करो, 3x² - 5x + 6x + x - 10=0। अच्छा, हम यहाँ पे भाई चेक कर लिया, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्या करें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अब इसके मल्टीप्लाई करो, 10 × 3 30 आ गया, 30 कैसे फैक्टर करो कि प्लस माइनस करने पे 1 आ जाए, तो 6 × 5 = 30 होता है, 6 × 5 = 30, 6 − 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए 3x² + 6x - 5x - 10=0। अब इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, अच्छे से देखो, 3x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा x+2, इन दोनों से कॉमन क्या आएगा -5 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा x+2, यही तो बचा। अब देखिए ये और ये एक साथ आ गया, x+2 × 3x - 5, बताइए, मैंने आपसे पहले बोला ये बात तो आपको ये बती रखी थी क्वेश्चन में ऑलरेडी, है ना, बात समझ में आई। अगर आपको इतनी लाइन बढ़ानी पड़ती फिर यहाँ पे सोचना ही पड़ता कि मल्टीप्लाई करने पर कैसे क्या आएगा, थोड़ा काम बढ़ जाता ना, यहाँ पे डायरेक्ट सिंपल हो गया। तो कौन सा अच्छा है, जो आपको अच्छा लगे वो करिए, जिसको पार्टी क्वेश्चन बनाए पार्टी क्वेश्चन बनाए, बस मैं तो यही कहूंगा ये वाला करिए, सिंपल है, बढ़िया है। ठीक है, नोट कीजिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6x² + 40 = 30x। एक बार कंफर्म कर लें, ये क्वेश्चन है क्या, 31x। ठीक है, इसको करना होगा, सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था, कुछ भी उधर नहीं होना चाहिए, सब कुछ इधर लेके आओ, 6x² + 40 - 31x = 0। इसमें भी गलती है, मतलब गलती नहीं, मतलब है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0, 6x² - 31x + 40 = 0। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, 6 × 40 क्या आएगा, 240। ठीक, 240 कैसे फैक्टर, प्लस माइनस करने पे 31 आ जाए, 240, 2 से 1 2 0, 2 से 6 0, 2 से 3 0, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करने पे 40 × 40 आ जाएगा, प्लस माइनस करें 31 आ जाएगा, मेन एम ये 31 लेके आना है, मल्टीप्लाई तो आ ही जाएगा, 2 × 2 = 4, और 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 12, 12 × 5 = 60, नहीं आएगा किसी हाल में, नहीं आएगा, ये हटाइए अभी, ठीक ये नहीं बना, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8, 2 × 3 = 12, 12 × 5 = 12, नहीं 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, 30 और 8 ये भी नहीं बना, हटाइए, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 5 × 3 = 15, 16 और 15, 16 16 × 32 होता है, 31 आ गया बच्चों, आ गया, देखिए 16 + 15 करेंगे तो आएगा आपका 31, ये तो चाहिए था, 6x² माइनस हटाइए, मतलब माइनस अंदर जवाब में रखिए, 16x + 15x + 40 = 0, एक्स कैसे आ गया, एक्स क्या आता होता है, बाहर होता है। ठीक है, एक स्टेप आगे लिख दिया हमने, एक्स यहाँ होता है, एक्स साफ साफ नहीं लिख रही हो भैया,
ज्यादा जल्दी पढ़ रही है, मार्कर बचाना है, मार्कर नहीं जगह बचानी है। अब देखिए 6x² माइनस ये x को अंदर भेजेंगे 16x प्लस 15x प्लस 40 कैसे अंदर भेजते हैं, एक बार इसमें मल्टीप्लाई और फिर एक बार इसमें मल्टीप्लाई, अब माइनस को भेजेंगे एक बार इसमें फिर माइनस एक बार इसमें, 6x² माइनस 16x माइनस 15x प्लस 40 इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये जो फैक्टर करते हैं साइड में इनको भी नोट कर लेना कॉपी में अगर आप कर रहे हो नोट, वैसे नोट्स तो बनाए चाहिए क्योंकि बाद में क्या होता है जब हम क्वेश्चन खोलते हैं ना, जब एक बार रिवीजन करने के लिए खोलते हैं, गो थ्रू करने के लिए खोलते हैं, तो उस वक्त क्या होता है फैक्टर समझ में नहीं आते हैं कैसे किए क्या किए, तो वहां से साइड में होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आपके लिए इजी होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है, 6x² में से x तो कॉमन आने आना है, 6 और 16 कौन से टेबल में आता है, 4 के में नहीं आता, 3 के में नहीं आता, 2 के में आता है, 2 कॉमन निकालना है, यहां से क्या आ गया 3x माइनस 8, यहां से कॉमन क्या आएगा 5 कॉमन लिया यहां से, कैसा 5 एक बना, अब बताइए बच्चों कॉमन क्या आएगा और कैसा आएगा, जिसने कर दिया वो बच्चा कैच कर रहा है, उसको मतलब समझ में आ रहा है, ये बताइए, ये रहा आपका ब्रैकेट, इसमें लिखिए जो कुछ भी लिखना है, मैं तो लिख ही दूंगा, अपना लिखिए। ठीक है, देख लीजिए एक बार, कर दूं मैं अपना, कर लो, कह रहा हूँ अभी भी। ठीक है चलो मैं ही कर देता हूँ, देखो हमको कॉमन क्या आ रहा है वो देखिए, सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है 5, 15 और 40 किस टेबल में आते हैं, 5 के, 5 कॉमन आ गया, ठीक 5 हमने बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, लेकिन अभी हमने साइन नहीं निकाला, साइन की दिक्कत है। अगर देखिए मैं यहाँ से माइनस का, अगर मैं ओनली प्लस का 5 निकालूं, प्लस का 5 निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 3x प्लस का 8, ब्रैकेट में हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू मैच होगी लेकिन जो साइन है वो मैच नहीं होगा, सब उल्टे है, यहाँ पे प्लस का 3x है, यहाँ पे माइनस का 3x है, यहाँ पे माइनस का 8 है, यहाँ पे प्लस का 8 है। बात को फिर से सुनिए, क्या हुआ मैंने यहाँ से क्या किया, 5 कॉमन निकाला, मैंने प्लस का लिया 5 प्लस का लूंगा तो यहाँ पे साइन तो माइनस का तो माइनस आ गया, प्लस का तो प्लस आ गया, लेकिन क्या हुआ ब्रैकेट हमारा मैच नहीं हुआ, हमको ब्रैकेट क्या होना मैच करना ही करना है तभी हम सही कर रहे हैं वरना गलत कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या था हमारा ब्रैकेट की न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 3x सेम है, 8 सेम है, बट यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का, माइनस का, यहाँ पे प्लस का है, तो इसका मतलब हमने एक माइनस की गलती कर दी है, कहीं माइनस की गलती, हमको यहाँ पे प्लस का नहीं, यहाँ पे हमको माइनस का लेना था। जब भी ऐसा हो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो बट साइंस अलग है तो समझ जाओ आपने यहाँ पे जो कॉमन लिया वो गलत लिया है, वो प्लस का लिया है आपने तो उसको माइनस का कर दो, जो माइनस का लिया आपने उसको प्लस का कर दो, समझ गए। ठीक है, सो टफ वर्क, ये टूटी फूटी इंग्लिश नहीं वैसे बोल दिया मैंने, 2x माइनस 5 यहाँ पे क्या आ गया 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक, इसके बाद दो स्टेप करने होते हैं, वो स्टेप आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है, इधर करते हैं, आइए 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 अपॉन 3x माइनस 8, और दूसरा स्टेप 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 अपॉन 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 अपॉन 2। इधर देखिए 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8 अपॉन 3, ये हो गया। ऐसे पी प्राइमरी बच्चे के अंदर पढ़ते हैं, उसको पढ़ाते हैं बच्चों बोलो ए बी, आप लोग ऐसे नोट कीजिए, ठीक है मजाक मस्ती में नहीं बहना है, नोट कर लीजिए जल्दी से, मेरा कपड़ा हो गया मिल गया, हटा दे बच्चों पक्का। अब देखिए अब आता है आपका रूट वाले क्वेश्चंस का खेल आता है ना, रूट वाले क्वेश्चंस, बच्चे इन क्वेश्चंस को जनरली देख के, जनरली क्या हर बच्चा घबरा जाता है, मैं खुद घबरा गया था जब मैं पढ़ता था, ये जो रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं इनको देख के ही घबरा जाते हैं, बट एक्चुअली में ये तो इन वाले क्वेश्चन से भी सिंपल होते हैं जो मैं करा रहा हूँ, इनसे भी सिंपल होते, बस घबराना नहीं है, अपने पेशेंस को, अपनी जो अंदर एंजाइटी है उसको संभाल के रखना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0,
ये इसको देख के घबराना तो बिल्कुल नहीं, बोर्ड के अंदर आएगा तो हमेशा सिंपल आएगा, समझ लो। बहुत ही रेयर केस होता है तो हल्का सा मॉडरेट आता है, मॉडरेट यूजुअली सिंपल आता है, और आना हुआ तो हल्का सा मॉडरेट आ गया, टफ तो कभी नहीं आता है। ठीक है, अगर आपको टफ लग रहा है तो आपकी प्रैक्टिस की कमी है, टफ नहीं आता है बोर्ड में, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा टफ आपके लिए, आ जाएगा इससे प्रीवियस वाला टफ आ जाएगा, क्योंकि वो सिंपल से होते हैं, उनको थोड़ा दिमाग लगा के हो जाएगा सॉल्व। ये क्या होगा, टफ कभी आता ही नहीं है। सीबीएसई पेपर ऐसा ही बनाती है कि बच्चे पे सॉल्व हो जाए, हर बच्चा निकल जाए, ऐसा बनाती है पेपर। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई 4√3 × 2√3, तो मल्टीप्लाई तो आता होगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 8, और √3 × √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 8 3 = 24। अब 24 के ऐसे फैक्टर की प्लस माइनस करने पर 5 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए। अब तो सिंपल है ही है, 24 के फैक्टर भी कर दो, 2 से 12, 2 से 4, नहीं ज्यादा स्पीड में भावना हो गए, 2 से 3, 3 से 1, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24, इसके वेक्टर करने वो आ जाए, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 - 3, देखो 8 - 3 सिंपल था कि नहीं, बोला था ना 8 - 3 करिए 5 आ गया डायरेक्ट, सिंपल सा। 4√3x² + 8 - 3 × x, अब डायरेक्ट लिखते हैं, बहुत देर से समझा दिया, 8x - 3x - 2√3 = 0। ठीक, इसमें और इसमें कॉमन क्या आएगा बताइए, एक एक्स और एक 4, सिंपल √3x + 2, ये यहां से कॉमन क्या है, 3 कॉमन, आई थिंक नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, अच्छे से देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पे देखो 3x - 2√3 लिखा है, तो 2 तो कॉमन होना नहीं है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें से 2 तो कॉमन होना नहीं है, 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 × √3x - 2√3। अब ये मत पूछना कि भैया हमको कैसे पता चलेगा, बच्चे अक्सर पूछता है हमको कैसे पता चलेगा कि √3 √3 लिखना है, तो देखो यहाँ पे आपको इस पहले ब्रैकेट में दिख रहा है, इस लाइन को हटा देते हैं, डिवाइड लग रहा है हमको, पहले ब्रैकेट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स के साथ √3 आना ही आना है, और यहाँ पे एक्स ये इसके साथ √3 आना है, तो 3 हमको यहाँ पे 3 को √3 √3 में तोड़ दिया हमने, यहाँ से पता चला हमको। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं तो प्रैक्टिस से सब पता चल जाता है, तो कॉमन क्या आ गया, √3, अंदर क्या बचा, √3x, यहाँ से √3 गया तो -2 आ गया ब्रैकेट, सेम समझ गए, तो यहाँ पे क्या। और हाँ एक चीज और, ये माइनस का था है ना, माइनस का बाहर निकाला हमने, माइनस का सब कुछ, तो ये कैसा हो गया, प्लस का हो गया, माइनस का बाहर कॉमन निकाला है। ओके बच्चे, ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस भी था साथ में, तो माइनस भी बाहर निकाल दिया हमने, तो अंदर क्या बचा, -√3 √3x + 2 = 0, ये 2 है, हट जाओ, ब्रैकेट सेम एक साथ लिख दो, 4x - √3 और √3x + 2, बच्चों यहाँ पे कंसंट्रेट करके रखो, अब रूट वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट है, सिंपल होते हैं लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है ना, ये ऐसा तो नहीं मत करो कि सिंपल है तो ध्यान ही नहीं देना है। अब क्या करें, डायरेक्ट कर दें इसको, 0 भेज दो, तो 0 भेजो तो 0 आएगा, 4x - √3 = 0, और यहाँ पे इसको 0 भेजेंगे तो ये आएगा √3x + 2 = 0, 4x = √3x = √3/4, और यहाँ से क्या आ गया, √3x = -2, x = -2/√3, हो गए सॉल्व, था सिंपल कि नहीं था, करो जल्दी से नोट स्पीड में, एकदम हाई स्पीड में। √3x² + 11x + 6√3 = 0, अब ये वाला सॉल्व करना है, बताइए रफ कर दें, हो गया होगा अब तक तो, देखिए क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कैसे होगा, अच्छा मल्टीप्लाई भी सिखाए, नहीं, इतना तो आता भैया, 18 के क्या करने हैं, फैक्टर, फैक्टर करेंगे तो देखो मैंने पूछो तो ऐसे ही पता चल गया क्या आना है, 3 से नहीं, सबसे पहले 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, 3 3 = 9, 9 + 2, 9 + 2 = 11, और 9 × 2 = 18, आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल था, √3x² +
नाइन एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स रूट थ्री इक्वल टू जीरो, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बताइए, कौन बताएगा, जिस जिसको बताना है कमेंट कर दो। वैसे मुझे तो अभी यहाँ पे यहीं से निकाल दूंगा मैं। देखो रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स, कैसे लिखूँ इसको मैं, रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू थ्री एक्स रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू थ्री एक्स, क्योंकि यहाँ पे रूट थ्री एक ही था इसलिए मैंने सिर्फ एक थ्री को रूट थ्री कर लिया। अगर मैं इसको भी कर लेता लेकिन मेरे को बेनिफिट कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक रूट थ्री, तो एक रूट थ्री यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। समझ में बात, क्या करना था यहाँ पे, थ्री इंटू थ्री था, मैं इसको भी रूट थ्री कर लेता लेकिन कुछ बेनिफिट होना नहीं था, क्योंकि अगर यहाँ पे एक और रूट थ्री होता तो कुछ बात बनती, यहाँ पे क्या एक ही रूट थ्री, एक रूट थ्री यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन क्या बचा रूट थ्री इंटू एक्स, अंदर क्या बचा यहाँ पे एक्स प्लस रूट थ्री, तो बाहर निकल गया ये रूट थ्री गया बाहर, इसको हटा दें, ये देखो ये रूट थ्री गया बाहर, अंदर क्या बचा थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री रूट थ्री, और ये एक्स भी बाहर चला गया, ये बचा, तो यहाँ पे क्या आएगा रूट थ्री एक्स पार कॉमन एक्स प्लस थ्री रूट थ्री। ठीक है, अब टू एक्स प्लस सिक्स रूट थ्री कॉमन क्या है, क्लियरली दिख रहा है टू कॉमन है, तो टू को निकाल दो, वेट क्या कर रहे हो, मैं निकाल दू सब कुछ, एक्स प्लस यहां से क्या है थ्री रूट थ्री इक्वल टू जीरो, रूट थ्री एक्स प्लस टू, और यहाँ पे क्या हो जाए एक्स प्लस थ्री रूट थ्री इक्वल टू जीरो, इसके आगे का आप कर लोगे अपने आप बताइए, या फिर मैं ही करके बताऊं, ओ रफ कर दिया, आधा सेकंड पीछे करके नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा, एक बार इसको जीरो में भेजा रूट थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक बार इसको जीरो में भेजा तो यहां से क्या होता है एक्स प्लस थ्री रूट थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है, रूट थ्री एक्स इक्वल टू माइनस टू, एक्स इक्वल टू माइनस टू अपॉन रूट थ्री, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री रूट थ्री, हो गया आंसर, जल्दी से नोट कर लीजिए स्पीड में। देखो बच्चों इसके बाद क्वेश्चन आता है आपके लिए, मैं देता हूं रूट थ्री एक्स स्क्वायर रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स माइनस टू रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री इक्वल टू जीरो, करो अपने आप करो करो करो। ये क्या भैया, अभी तक आप दे रहे थे बीच में सिंपल नंबर था, अब बीच में भी रूट दे दिया, इसे कैसे करें, ये तो वही बात हो गई कि खुद पढ़ाया छोटा सा और दे दिया हमको पहाड़ जैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर वो क्वेश्चन ध्यान से किए तो इसे भी कर लोगे, है ना, ऐसे देखो मत इधर मेरी साइड, इधर देखिए क्या आ गया रूट थ्री एक्स स्क्वायर, नहीं पहले तो हमको क्या करना होता फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, ठीक है टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, क्या हो जाएगा टू थ्री इंटू टू रूट थ्री थ्री बन गया टू आ गया, क्या गया सिक्स, सिक्स कैसे फैक्टर प्लस माइनस करने पर टू रूट टू, और बाकी का सब कुछ करने पे क्या आ जाए मतलब बाकी का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए सिक्स आ जाए, तो सिक्स के फैक्टर तो सबसे पहले थ्री इंटू टू ही आएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, अब इसका हमको कुछ करना है टू रूट टू मिल जाए, है ना, तो देखो थ्री हमको टू रूट टू चाहिए, क्या चाहिए हमको रूट में टू चाहिए, तो मेरे पास ये जो टू है इसको रूट में तोड़ लूं, है ना, कैसे तोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे टू रूट टू चाहिए, यहाँ पे अगर मेरा कुछ रूट थ्री होता तो मैं इस थ्री को रूट थ्री में तोड़ता रूट थ्री इंटू रूट थ्री, बट मेरे पास यहाँ पे रूट टू है तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि मुझे इस टू को रूट टू में तोड़ना है। ठीक है ओके बच्चे, ये क्या है इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे थ्री रूट टू, और इसको मैं मान लू एक नंबर ओनली रूट टू, थ्री रूट टू माइनस रूट टू करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है टू रूट टू मिल रहा है, थ्री रूट टू में से एक रूट टू हटाएंगे तो टू रूट टू मिल गया, समझ में आई बात, नहीं समझ फिर से देखो, देखो सिक्स के हमने फैक्टर किए क्या आया थ्री सॉरी टू, टू से क्या है हमारा थ्री आ गया, थ्री से क्या वन आ गया टू अपॉन थ्री, मतलब अपॉन नहीं ऐसे लाइन से, तो मैंने इस टू को क्या कर लिया रूट टू थ्री। ठीक है इसे क्या हो गया थ्री इंटू रूट टू थ्री रूट टू, ये क्या है रूट टू ऑनली, तो इसको मैंने रूट टू लिख लिया,
थ्री रूट टू में से एक रूट टू हटाता हूँ तो क्या आ गया हमारा टू रूट टू। अब बात समझ में आ गई होगी पक्का, अब तो मैं लिख के दे सकता हूँ गारंटी 100% आपको बात समझ में आ गई ठीक है। टू रूट टू आ गया, टू रूट टू हम यहाँ पे लिख दे डायरेक्ट रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वेजिटेज लिखो क्या थ्री रूट टू एक्स, थ्री रूट टू एक्स माइनस रूट टू एक्स माइनस टू रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो। रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस पंद्रह भेजा माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस रूट टू एक्स माइनस टू रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए पहले दो टर्म में से आपको लेना है कॉमन, कॉमन कैसे आएगा आपको दिख रहा होगा एक्स तो कॉमन आने ही आना है, एक्स तो कॉमन आना आना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स है तो एक्स तो कॉमन आना आना है। रूट थ्री यहाँ पे थ्री है, थ्री को मैंने रूट थ्री में तोड़ लिया होगा, रूट थ्री कॉमन आ गया ठीक है बच्चों, रूट थ्री कॉमन लिया एक्स कॉमन लिया बचा एक्स माइनस यहाँ से रूट थ्री कॉमन निकाल लिया हमने तो क्या बचा ओनली रूट थ्री इंटू रूट टू ठीक। रूट थ्री इंटू रूट टू क्या बन जाएगा रूट सिक्स, रूट सिक्स बन गया ठीक है। आ देखो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा रूट टू यहाँ पर है यहाँ पे माइनस टू रूट थ्री, देखो रूट टू एक्स माइनस टू रूट थ्री, देखो यहाँ पे टू है यहाँ पे रूट टू है तो आपको अभी अब पता चल गया होगा कि मुझे किसको किसमें तोड़ना है, तोड़ो अपने आप पता चल गया ना, मैं बता दूं पक्का बता दूं एक बार फिर से देख लो किसको किसमें तोड़ना है बताओ, मैं बता रहा हूँ इस टू को रूट टू में तोड़ लो ठीक है। यही था ना सबका, यही था रूट टू इंटू रूट थ्री कॉमन क्या आएगा बताइए क्या कॉमन है तीन चार टर्म में से टू मतलब रूट टू, रूट टू कॉमन लिया एक्स माइनस रूट टू कॉमन लिया रूट सिक्स, देखो रूट टू इंटू रूट थ्री बचता और रूट का ना मल्टीप्लाई हो जाता रूट सिक्स हो जाता ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस रूट टू कॉमन अंदर बचा एक्स माइनस रूट सिक्स इक्वल्स टू जीरो, हट जा भाई। अरे यार मैं फिर से हटा दिया ठीक है नोट कर लेना है ना। और एक्स माइनस रूट सिक्स एक ब्रैकेट में एक्स माइनस रूट सिक्स यहाँ पे क्या आ गया रूट थ्री एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। देखो बच्चों नोट्स बनाना तो कंपलसरी है, कंपलसरी मतलब आपके बेनिफिट के लिए, अगर आपको बेनिफिट चाहिए इन लेक्चर्स का तो नोट्स बना लो क्योंकि बाद में फिर ऐसा लगता है कि पढ़ा तो सब था लेकिन आ क्यों नहीं रहा भाई। अब इस बार इसको भेजेंगे रूट थ्री एक्स प्लस रूट टू इक्वल्स टू जीरो, इसको भेजा रूट थ्री एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट टू एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट टू अपॉन माइनस अपॉन रूट थ्री। एक बात बता दे बच्चों आपको, जो नीचे अगर डिनोमिनेटर में कभी भी रूट आ जाए तो आप उसको रेशनल नंबर बनाने की कोशिश करो, उसको रेशनलाइज करो, आपने नाइन्थ में सीखा हो, क्योंकि नीचे जो होता है रूट थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, इसको परफेक्ट नंबर बनाना पड़ता है। नीचे क्या होगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो होगा नॉर्मल सा नंबर ऐसे रूट रूट का नंबर ना हो, तो क्या करेंगे हम इसमें रेशनलाइज करने के लिए रूट थ्री का मल्टीप्लाई रूट थ्री का डिवाइड एक्स इक्वल्स टू रूट टू इंटू रूट थ्री माइनस रूट सिक्स और रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री ठीक है। ये आंसर है आपका, ये भी सही है, ये जो इतना आ रहा था ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट ये थोड़ा अच्छा रहता है यहाँ पे टीचर का अगर मन हुआ तो वाला नंबर काट सकता है क्योंकि ये हमारा रूल है नीचे का जो अगर इरेशनल नंबर आता है उसे रेशनल में चेंज कर दो ठीक है बच्चों। ओके कीजिए नोट, मैं जब तक इसका आंसर कन्फर्म करूँ यही है कि नहीं। एक्स इक्वल टू रूट सिक्स एंड एक्स इक्वल टू माइनस रूट टू अपॉन रूट थ्री यहाँ तक है ठीक है, लेकिन आप यहाँ तक करो, आप इतना रूल समझ लो कि अगर नीचे रेशनल नंबर आ रहा है तो उसको हमें रेशनलाइज करके रेशनल बनाना है ठीक है। यहाँ तक कर दो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ तक कर दो तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है ठीक है। ओके नोट कीजिए, इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री प्लस वन एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन वाकई में मैं सच कह रहा हूँ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बस हल्का सा देख लो, हल्का सा देख लो, वीडियो को पॉज कर लो देख लो हल्का सा, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। इसमें मैं बोल नहीं रहा इससे आगे, इसमें आगे बोलूंगा तो फिर तो हिंट मिल जाएगा पूरा पूरा, बताऊं मैं पक्का। देखो
क्या है हमको फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो 1 into √3, क्या आएगा √3 आएगा √3। अब हमको √3 कैसे फैक्टर करने, प्लस माइनस करने, √3 +1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 3 आया। तो देखो √3 के फैक्टर करेंगे अगर हम, तो इस तो √3 जाएगा 1 आएगा, 1 आ गया। तो क्या है √3 +1 करेंगे तो हमको बीच वाला नंबर मिल जाएगा √3 +1, और √3 into 1 करेंगे तो हमको √3 मिल गया। तो पता ऑलरेडी फैक्टर दे रखे थे कि नहीं, ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया, ऐसे करना ही नहीं थे, यहाँ से ही आपको दिख रहा था साफ था √3 into 1 है तो √3 + 1 आना है। तो √3 + 1 करो और √3 का ही 1 से into करो तो √3 मिल जाएगा आपको। सिंपल है सब कुछ बच्चों, बहुत सिंपल आते हैं क्वेश्चन, ये तो बहुत बेसिक लेवल के बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। -√3x - x + √3 कैसे हो गया, पहले x के इसमें मल्टीप्लाई किया फिर माइनस का इसमें इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, पहले x का क्या माइनस कर दो या फिर पहले माइनस कर दो फिर x का कर दो, बात एक ही आएगी। कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, x माइनस √3, यहाँ से कॉमन क्या आएगा -1, x माइनस √3 कैसे आया -1, कैसे आया बताओ। देखो फिर से बताते हैं, देखो यहाँ पे कॉमन क्या था x माइनस √3, इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं 1 कॉमन लेता हूँ, आना तो 1 ही कॉमन, इतना सबको पता चलेगा यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है √3, 1 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा x, यहाँ पे क्या आएगा √3, ये तो चाहिए हमको। लेकिन अगर मैं प्लस का 1 लेता हूँ, लेकिन अगर मैं प्लस का 1 लेता हूँ तो यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस आ गया, प्लस 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 आ गया, ब्रैकेट वाला मैच नहीं हुआ। हमारा काम क्या होता है, ब्रैकेट को मैच करना है, सीधी बात है, बस हमको इतना जानना है ब्रैकेट हमको अपना मैच करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, जो मतलब वैसे वैल्यू है हमने साइन को छोड़ दिया है, वैल्यू तो सारी हमारी वही आई है, बस साइन हमारी डिफरेंट है। तो मैंने क्या बताया था, जब हमारे साइन डिफरेंट हों मतलब अपोजिट हों, सभी के अपोजिट हों, ऐसा नहीं कि दो के एक का जैसे यहाँ पे ये प्लस है यहाँ पे माइनस आ गया और दूसरे का माइनस है और यहाँ पे माइनस आ जाए, तो फिर तो आपकी दिक्कत है, आपने फिर सॉल्यूशन भी गलत किया, फिर आपने ये बीच वाले नंबर गलत निकाले हैं। लेकिन अगर आपका आपको दिख रहा है कि पहला प्लस का है और इसमें माइनस का रहा है, दूसरा माइनस का इसमें प्लस का है, तो आपने इसी स्टेप में गलती की, आपको जो माइनस का लेना था वो आपने प्लस का ले लिया, फिर जो प्लस का लेना था वो आपने माइनस का ले लिया। And this is the answer. ठीक है बच्चों, समझ गए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। हटा दें बच्चों, ठीक है हटा रहे हैं जी बच्चों। अब इसके बाद हम ये रूट वाले क्वेश्चन यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि अब इसके बाद जो क्वेश्चन हैं वो आपको करने चाहिए, आपको आरएस और आरडी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आरएस आरडी में, आरएस अग्रवाल आरडी शर्मा, एनसीईआरटी में भी मिल ही जाएंगे, ठीक है, आप कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया। आपको फिर भी दिक्कत है पूरा पूरा क्वेश्चन कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा सॉल्यूशन करके, ठीक है, या फिर मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वगैरह दे दूंगा, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। अब देखिए इसके बाद एक टाइप का और है, वो बताए थे, इसके बाद ये वीडियो की जो लेंथ है ऑलरेडी जो मैंने सेट कर रखी थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है, अब वो क्वेश्चन बताऊंगा उसमें भी ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं क्या कहता हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट और बना देंगे, उसके अंदर हम लोग आपको अल्फाबेटिक्स वाले सॉल्व करना सिखा देंगे। अल्फाबेटिकल होते हैं ना, जैसे अब यहाँ पे नंबर चले थे, अब कॉन्स्टेंट टर्म में कुछ अल्फाबेट दे रखे होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, बुक्स उठा के देखो आपको मिल जाएंगे वो क्वेश्चन, उनको सॉल्व करने का भी एक अलग गजब का तरीका है मेरे पास, और वो क्वेश्चंस तो ऐसे ऐसे सॉल्व हो जाएंगे सच में, और एक अपॉन वाले होते हैं उनको तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाना पड़ता है, वो सॉल्व हो जाएंगे। अब एक तरीका है छोटा सा, छोटे छोटे क्वेश्चन है वो, ठीक है वो बताते हैं आपको, देखिए फाइव की पावर x प्लस 1, ये 5 है मेरा, ठीक है, इस पर आता है 5 की पावर 2 - x = 5 की पावर 3 + 1, इस टाइप के क्वेश्चंस, 3 + 1 है ना, नहीं प्लस 1 जो है नीचे है, ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत रेयर केस में मिलते हैं, अगर मिल जाते तो फिर तो क्या करेंगे,
तो आपको बता ही देते हैं, मतलब वैसे तो बहुत कम ही केस है, बहुत कम चांस है इसके आने के, लेकिन अगर फिर भी आ गया तो आप क्या करोगे? तो आपको उस चीज से बचाने के लिए हम हैं, हम आपको हर चीज कराएंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि पावर जो होती है अब प्लस में है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, है ना। पावर किस में जाएगी, अलग अलग, 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, जब मतलब आपने पढ़ा होगा, जब हमारा बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना। तो कहीं ना कहीं ये पावर ऐड हुई है, कहीं ना कहीं ये बेस सेम रहा होगा ना, 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1। तभी तो हमने बेस सेम करके एक जगह कर दी, पावर ऐड कर दी, है ना। इसी टाइप से ये हुआ होगा, तो देखो फिर मैंने क्या कर दिया, इसको अलग कर देता हूँ, 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर -x। ओके बच्चों, इसको क्या कर दिया, 5 की पावर 3 प्लस 1। ओके, अब देखो, 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1 एज इट इज, समझते चलना, प्लस 5 की पावर 2 5 की पावर -x है। जब ऐसे मैं लिख दूं 1/x की पावर 2, अगर मुझे इसे ऊपर ले जाना हो तो x की पावर -2 आ जाता है ना। x की पावर क्या आ जाता है, -2 आ जाता है। तो यही करना होगा, इसको मैं करता हूँ नीचे ले आता हूँ, 1/5 की पावर x = 5 का क्यूब 125 + 1। अब क्या करता हूँ, 5 की पावर x यहाँ पे, 5 की पावर x यहाँ पे, 5 की पावर x को मैं मान लेता हूँ कुछ वेरिएबल, नया वेरिएबल। क्या करना है, लेट 5 की पावर x = y, कोई नया वेरिएबल मान लो, आप मान लो PQRST जो कुछ मानना है आपको, पर x नहीं मानना क्योंकि x ऑलरेडी इसमें वेरिएबल है। ठीक है, y मान लो, तो y इंटू फाइव क्या हो जाएगा, 5y 5y 5 का स्क्वायर 25 प्लस, देखो 25 इसकी वैल्यू क्या थी, y, तो अपॉन y इक्वल टू 125 + 1 126। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 5y² + 25 / y = 126। y को उधर भेजा, 5y² + 25 = 126y, 5y² 126 को उधर भेजा, -126y + 25 = 0। इक्वेशन आपकी बन गई, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे आपके जीरोस मिल जाएंगे। देखिए फर्स्ट और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 5 करेंगे। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा इंक डाल लें, ये थोड़ी सी बहुत ज़्यादा लाइट हो गई, थोड़ा सा डार्क कर लें इसको। देखिए 25 इंटू 5 करेंगे 125 आएगा, आप करके देख लीजिए, 25 इंटू 5 करेंगे 125 आएगा, चाहिए कि 126, 126 चाहिए, 125 इंटू 1 करेंगे तो हमको 125 मिलेगा, और 125 + 1 करेंगे तो आपको 126 मिलेगा। मुझे कैसे पता चला, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने √3 + 1 वाला किया था, है ना, उसके अंदर क्या था, √3 का इंटू 1 से कर रहे थे √3 आता, और √3 में + 1 कर रहे थे √3 + 1 आ रहा था। मुझे कहीं ना कहीं ये वैसा ही दिखा, कहीं ना कहीं मुझे वैसा दिखा, पर 25 * 5 करते हैं, मुझे टेबल याद है, वहां से क्या पता था 125 आ गया, मुझे 126 चाहिए, तो 125 का मल्टीप्लाई मैं 1 बार करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 125, और 125 तो मैं 1 जोड़ूंगा, सॉरी याद आ रहा है, 125 तो मैं 1 जोड़ूंगा तो मुझे 126 मिल जाएगा जो चाहिए। बात समझ में आई, तो मैंने यहीं से मुझे पता चल गया कुछ, मैंने इसमें ऑलरेडी मैं याद याद नहीं करके आया हूँ, कुछ लर्न करके नहीं आया हूँ कि मैं यहाँ से ऑलरेडी मैंने लर्न कर लिया हूँ कि मुझे ये याद आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, मैं बस क्वेश्चन देख रहा हूँ बुक्स में। 5y² - 125y - प्लस y + 25 = 0। इसके बाद इधर 5y² - 125y - y + 25 = 0। ठीक बच्चा, यहाँ से क्या आएगा कॉमन, 5y कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बचा, y - 25, यहाँ से -1 कॉमन लिया, y - 25। ठीक है, इसमें भी वही बात है जो मैं आपको हर बार बता चुका हूँ, ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा था, साइन अपोजिट थे, लेकिन मुझे प्रैक्टिस करते करते है, मुझे पता है यहाँ पे माइनस कॉमन लेना है, बच्चों को ऑलरेडी ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या आएगा, y - 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5y - 1 = 0। दो केस बने, y - 25 = 0 और दूसरा 5y = 1। ठीक है बच्चों, y = 25 और
y इक्वल्स टू 1/5, ये हमारा क्या आंसर है। हो गया आंसर, कदे रफ पक्का? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं बच्चों, क्योंकि ये वैल्यू किसकी आई है, y की चाहिए, किसकी किसकी चाहिए, x की, ये वैल्यू आई y की, हमको x के आंसर चाहिए अभी, तो ये तो y का आंसर निकला है। फिर से देखो इसके आगे, इसके आगे देखिए, इसके आगे देखिए, हाँ होशियार बनने थे, नहीं हो गया, खत्म करो वीडियो, बंद करो, नहीं अभी नहीं, इसका तो अभी दो तीन क्वेश्चन कराऊंगा इसी टाइप के, ठीक है। वाई इक्वल 25, वाई की वैल्यू क्या आती है, ये देखो, ये बात आपको दिख रही है, वाई की वैल्यू क्या आती, 5 की पावर x, 5 की पावर x इक्वल्स टू 25। अब देखो हमको क्या करना है, इस 25 को भी 5 की पावर में लिखना है, जिससे कि हम वेरिएबल जो बेस है, बेस से बेस हटा देंगे और पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। समझ में आ रहा है, देखो करके दिखाता हूँ। 5 की पावर x इक्वल्स टू 25 को 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या है, आपका बेस से बेस सेम है, बेस सेम है तो हम इसको कंपेयर करेंगे, तो ऑन कंपेयरिंग यहाँ लिख देता हूँ, ऑन कंपेयरिंग, जब हमने कंपेयर किया तो x इक्वल्स टू 2 आ गया, ये है हमारा फाइनल आंसर। सेम फंडा वहां पर करना है, y की जगह क्या था, 5 की पावर x, 5 की पावर x इक्वल्स टू, इसको क्या लिखूं, 5 की पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ, कैसे, देखो 1/5 था, मैंने बताया था 1/x होता, ऊपर ले जाता है x पावर माइनस 1 हो जाती है, जो पावर चढ़ी होती है पावर वाली माइनस करते हैं, अगर 1/x स्क्वायर होगा तो ऊपर ले जाएंगे तो x पावर माइनस 2 हो जाएगा, 1/x क्यूब होगा तो ऊपर ले जाएंगे तो x पावर माइनस 3 हो जाएगा, है ना बच्चों, तो यही तरीका, 1/5 है तो 5 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या जाएगा, 5 की पावर माइनस 1, ठीक है। बेस सेम हो गया, पावर कंपेयर की तो x की वैल्यू माइनस 1, सिंपल, दैट्स ऑल, इट्स सिंपल, इट्स टू सिंपल, इट्स वेरी 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 सिंपल, है ना, ये मतलब बहुत कम केस में आता है बच्चों, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो फिर आ ही जाता है, फिर तो आ ही जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती फिर इसमें, फिर तो आपको आना चाहिए, फिर आप सीरियसली ये नहीं कह सकते ये बहुत कम केस में आता है, आपने इस बार क्यों दे दिया, ठीक है बच्चों, कराए इसके और क्वेश्चन या होमवर्क में आप लोग कर लोगे, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आपको हटा दिया हमने बिना बताए, फिर से पूछने की आदत नहीं है ना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी पूछने की भी, वैसे भी कौन सा, अगर तुम लोग मना करते रोक लेते मुझे, कौन सा तुम लोगों ने नोट नहीं किया था मैं रुक जाता। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4x² - 4a² x + a^4 - b^4, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, अरे यार ये क्वेश्चन तो मुझे नेक्स्ट वीडियो में कराना है, क्योंकि इसका ना इस क्वेश्चन का एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आपको वो कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, एक क्वेश्चन कुछ हो नहीं पाएगा, वीडियो की लेंथ तो ऑलरेडी हो चुकी है आपको मैंने बता रखा है, तो ये जो क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें घबराना तो किसी को है नहीं, बस मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है, या फिर आप ऑलरेडी देख रहे हो, मतलब काफी टाइम बाद देख रहे हो मेरे अपलोड होने के, तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो आपके प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, या फिर लास्ट में इसके एंड स्क्रीन में आ जाएगी, वहां से मिल जाएगी, ठीक है बच्चों, तो वहां से आप लोग इसको देख सकते हो, इसका पूरा पूरा समझाने का तरीका मैंने करा रखा है, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, क्योंकि ये वाली जब वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन पूरा पूरा मिल जाए, मतलब सबसे पहले मिल जाए पूरा, तो नोटिफिकेशन मिलता ही है, और पुराने हो तो बहुत अच्छी बात है, आप ऑलरेडी एक अच्छे चैनल के साथ हो, ठीक है। और एक क्वेश्चन और कराना चाहूँगा मैं, अभी रुक जाएगी, एक क्वेश्चन और कराना मुझे, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, 2 x - 3.2 x + 2 + 32 = 0, ठीक है बच्चों, नोट कीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन को, ये करना है आपको, देखिए इसमें क्या करना है, ये जो डॉट होता है, इसलिए मैंने कराया, ये जो डॉट होता है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है बच्चों, ये जो डॉट लिखा हुआ है यहाँ पे इसका मतलब है, इस फॉर्म, इस क्वेश्चन को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 2 x - 3 × 2,
की पावर एक्स प्लस टू प्लस 32 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है बच्चा, अब क्या करना है आपको, फिर से वही चीज दोहरानी है, 2 की पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, अरे भाई x x हो गया, 2 की पावर 2 प्लस 32 इक्वल्स टू जीरो। क्या करना है, लेट 2 की पावर x इक्वल्स टू क्या लेंगे, y, तो 2 की पावर x। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 2 की पावर x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2x है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इधर देख लो, इधर 2 की पावर x की पावर 2 लिख सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि पावर का रूल होता है, एक्सपोनेंशियल रूल होते हैं कि अगर पावर मल्टीप्लाई होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब पावर एक के ऊपर एक हो, जैसे x ऊपर y है तो उसको हम एक्स वाई लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, है ना। तो देखो 2 पावर x के ऊपर 2 कर दी मैंने, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बटा के 2 की पावर x के ऊपर 2, और 2 की पावर x को क्या मान लिया हमने, y, 2 की पावर x को y माना, y स्क्वायर माइनस 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 2 की पावर x को y माना प्लस 32 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, ये आ गया, अब इसके आगे सॉल्व कर लो कि 32 into 1 32 into 1 क्या आ गया, 32 आ गया, और 32 के फैक्टर 32 के फैक्टर 2 से 16 2 से 8 2 से 4 2 से 2 2 से 1 मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, वो सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, प्लस माइनस करने पे 12 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 12 आना चाहिए, सॉरी माय मिस्टेक, प्लस माइनस करने पे 12 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 32 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप 8 4 जा 32, हाँ 8 4 जा 32, देखो कैसे, मतलब वो तो मेरे को टेबल बता रहा है, 32 है और 2 2 की टेबल है, तो 2 की टेबल से कुछ बनेगा, देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 4 जा 32 8 प्लस 4 12 और 8 इंटू 4 32। ठीक है बच्चों, ओके, y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4y प्लस 32 इक्वल्स टू 0। y कॉमन लिया, y माइनस 8, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लिया, y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, क्या आया, y माइनस 4 इंटू y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 8 हो गया आंसर। अरे इस बार नहीं बोलोगे हो गया आंसर, क्योंकि इस बार मैंने बता रखा है ऑलरेडी आप लोगों को, है ना, नहीं भैया इस बार नहीं हुआ आंसर, इस बार तो थोड़ा सा आगे और है। ठीक है, क्या करना है, y जो हमने लेट किया था उसी को लिखो आगे, y की जगह लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर x इक्वल्स टू 4, यही था y, तो ऐसे लिख दिया मैंने, y इक्वल्स टू 4, y की जगह क्या था, 2 की पावर x इक्वल्स टू 4, 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर 2, x इक्वल्स टू 2 कर दिया होगा अब तक, तो y इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 8, 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, x इक्वल्स टू 3। ओके बच्चों, अब इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड, द एंड नहीं, द एंड नहीं, एंड, वीडियो को हमने खत्म कर दिया, और पढ़ाई करते रहे ऑल द वेरी बेस्ट, वो जो कुछ बोलना होगा लास्ट में तो हमने ऑलरेडी बोल ही दिया था। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहे ऑल द वेरी बेस्ट, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते, और ये टर्म टू के लिए, और हाँ ये वाला जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराएंगे, ठीक है, और कुछ अपॉन वाले होते हैं वो भी कराएंगे, मतलब और भी है, ठीक है।